हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुप्रिया श्रीनेत, तो अब आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या है? आप भी सचिन पायलट को लेकर कंफ्यूज है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने क्या सोच रखा है? इधर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बकायदा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। ऐसा है, पहले मैं सुधांशु जी की बातों का जवाब दूंगी, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु जी ने कहा कि सदी और पीढ़ी की बात करी, तो पूरी विनम्रता से सुधांशु जी ये बताइएगा कि एलके अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, इन सब का क्या हुआ, कहां हैं आज ये लोग? और दूसरा मैं आपसे पूछती हूं, आप बेटे और बाप की बात कर रहे थे ना, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है कि यशवंत सिन्हा जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखते हैं तो आप प्रेशर के अंतर्गत जयंत सिन्हा से अगले दिन उसका पलटवार कराते हैं, आप बाप और बेटे में लड़ाई लगवाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप नए टर्म में जयंत सिन्हा को ड्रॉप करते हैं कैबिनेट से। आज जयंत सिन्हा क्यों नहीं है मंत्री? आज राजीव प्रताप रूडी जो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, मंत्री क्यों नहीं है? आज शहनवाज हुसैन राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं है? तो आप इस तरह की जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का आईना हमें दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा पहले खुद देखिए। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूं कि भारतीय राजनीति में किसने क्या कब कहा यह भी याद रखना है कि अशोक गहलोत जी ने थोड़ी देर पहले जब बात कही तो उन्होंने कहा आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो नई पीढ़ी का है, उनको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने कई बातों के साथ ये भी कहा कि उनको पेशेंस दिखाना चाहिए। हम भी नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, एनएसयूआई से राजनीति शुरू करी थी, हमारी भी रगड़ाई हुई थी। उन्होंने बार बार कहा हम प्यार करते हैं, उनको फ्यूचर दिखाना चाहिए। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है सचिन पायलट को लेकर। हम तो ये सुनकर हतप्रभ है कि सुधांशु त्रिवेदी जी से मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा कि 5 बजे राष्ट्रपति शासन उठाना क्या डेमोक्रेटिक है? उनका मानना है कि है, तो इसके बारे में और आगे मैं क्या बोलूं? खरीद फरोख्त करना एमएलएस की डेमोक्रेटिक है? उनका मानना है कि हाँ है, इसके बारे में आगे मैं क्या बोलूं? सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक जुझारू नेता है, ब्राइट है, आपने नई पीढ़ी का जिक्र किया। सुप्रिया श्रीनेत, आपने नई पीढ़ी, मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने आपको दिया पूरा मौका दिया, आज तो आप जान रही हैं क्योंकि आप दोनों ही हैं, तो इत्मीनान से आप अपनी बातें और लंबे वक्त तक रख सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी, अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि सोने की छुरी छुरी से खाने को मिलता है, रगड़ाई ठीक से नहीं हुई है, ये जो यंग जनरेशन है इनको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना चाहिए, ये सिर्फ ये किसके लिए था मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी के लिए था, प्रियंका गांधी के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए था? अब अगर आप पत्रकार होकर ये पूछ रही हैं ये किसके लिए था, तो मैं इस पे क्या सवाल उठाऊं? ये सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कहा है, उनकी सिर्फ सचिन पायलट के लिए, वही युवा है, उसके साथ साथ उन्होंने, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ वही अंग्रेजी बोलते हैं, वही सोने की छुरी था, आपसे हमें बहुत प्यार है, आपका भविष्य आने वाला, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने तो मानेसर की बात करी थी, मुझे मानेसर, अरे सीधा महासचिव पार्टी में कौन बना था? सोने की छुरी लेकर गुड़गांव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी सीधा कौन बन गया बगैर रगड़ाई? किसे मिल गया ये सब कुछ बगैर रगड़ाई? कौन है जिसे सोने की गद्दी मिल जाती है? खत्म हो गया तब मैं बोलूं। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है वो एबीपी न्यूज नहीं डिसाइड करेगा रूबिका जी, हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है ये हम, जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल हम राहुल गांधी जैसे युवा नेता और प्रियंका गांधी जैसी युवा नेत्री के लिए इस्तेमाल करते तो आपको दुख होने लगता है और आपको लगता है एबीपी न्यूज अब डिसाइड करेगा? अरे सचिन पायलट के लिए, उस युवा नेता के लिए जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो युवा नेता तो गांधी परिवार के ये दोनों सपूत भी हैं, या ये दोनों जो एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो भी औलादे हैं, वो युवा नहीं है? वो भी तो बगैर रगड़ाई के आराम से उस जगह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और 5 बजे एबीपी न्यूज का 5 बजे का शो कौन करेगा, ये आपके एडिटर, आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करने लगेगी? नहीं, तो नहीं, हमारे यहाँ जिसको जो पद मिल रहा है उसके बारे में आप लोग चिंता मत करिए। आपने मानेसर की बात कही थी, उसका मैं जवाब, मेरे पिता एडिटर नहीं है, मेरे पिता की कंपनी नहीं है एबीपी न्यूज, जवाब लेना चाहती है, हमारी अच्छी खासी रगड़ाई हुई है, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मैं किसी गांधी परिवार से नहीं हूं कि 5 बजे का शो मुझे मिल गया है। आप किसी की रगड़ाई पे, ठीक है,
इसीलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, सवाल मत उठाइए आप, नहीं आप, अरे भाई आप ही लोग हिदायत दे रहे हैं ना, उस पे बात करिए अशोक गहलोत, उस पे बात करिए अशोक गहलोत, ये कह रहे हैं ना कि आज की युवा पीढ़ी सोने के चाकू से खाती है, अंग्रेजी बोलती है, तो ये सिर्फ सचिन पायलट पर सूट करता है या बाकी और भी नेता है आपकी पार्टी में? और मैंने याद दिलाया कौन हो सकते हैं वो, कौन सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलता है? सचिन पायलट पर सूट करता है और उन्होंने उसके बारे में कहा है, मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में कहा अच्छा। गया है और वही उसका कॉन्टेक्स्ट रखिए, आप बात को तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी मत करिए। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं, अगर आप सुनना चाहती हैं, क्योंकि मैं दर्शकों पर छोड़ती हूं ये बात कि कौन है युवा जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, कौन है वो युवा जिसके बगैर मेहनत के और इतने सारे फेलियर्स के बावजूद उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है, और ये शब्द रगड़ाई सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जैसे युवा नेता पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख करती हूँ और जरा ये बताइए कि वाकई क्या आप दर्शकों पर छोड़ देनी चाहिए? हाँ तो छोड़ दी ना, छोड़ दी वो दर्शकों पर और वोटर्स पर भी, जूरी और जो जजमेंट बनाते हैं ना वो मत किया करिए। सुधांशु आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं भाई? मैं तो व्याख्या जानना चाह रही थी ना कि किसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया, युवा कौन है आपकी पार्टी में? आपने मुझसे मानेसर पे सवाल पूछा, जब मानेसर पर नहीं जवाब देने लगी, आपको जवाब नहीं चाहिए, आपके फेडर्स डाउन हो जाते हैं। सुप्रिया शर्मा आप इतना पर्सनल क्यों ले रही हैं इस चीज को? किस बात पर इतना पर्सनल ले रही है? युवा नेता नहीं है क्या आप? नहीं, गांधी परिवार की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी युवा नेता नहीं है क्या? मुझे जवाब नहीं देने दिया, आप मुझे बोल दीजिए तो मैं मान जाऊंगी कि नहीं है युवा, वो बुजुर्ग है पार्टी के। रूपिका जी मैं मानूंगी।